मोशन से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पलक मोशन मुजफ्फरपुर सेंटर से। तो आज हम लोग मोशन के बच्चों से जानेंगे कि उनका मोशन में ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग मुजफ्फरपुर मोशन सेंटर की 12th की स्टूडेंट अदिति सुल्तानिया से, जो हमारे यहाँ से बोर्ड प्लस नीट की तैयारी कर रही है। तो अदिति, ये बताइए कि आपको मोशन के बारे में कैसे पता चला और आपने मोशन में एडमिशन कब लिया? 10th बोर्ड्स के बाद जब यहाँ मोशन सेंटर से, मुजफ्फरपुर सेंटर से कॉल गया था, तो उन्होंने सारा कुछ प्लान कुछ बताया था कैसे मतलब पढ़ाई होगा। तो फिर वहाँ से भी फिर मैंने ऐड भी देखा, वेबसाइट पे चेक किया, तो मेरे को सही लगा। फिर मैं यहाँ आई, मैं सेंटर देखी, मेरे को सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तो फिर और इनरोलमेंट मैंने 2020 में करवाया था 11th 12th के लिए। तो 2020 में जब आपका एडमिशन हुआ था, तो उस वक्त तो जैसे हम लोग सबको ही जान रहे हैं कि उस वक्त कोविड सिचुएशन था और पेंडेमिक की वजह से बच्चों की पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी। तो उस वक्त आपका एक्सपीरियंस मोशन के साथ कैसा रहा? वो उस टाइम बहुत सही था, क्योंकि उस टाइम ऑफलाइन क्लासेस तो पॉसिबल नहीं थे, तो हम लोग को लर्निंग ऐप पे ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराया गया, जो कि थ्रू कोटा थे, मतलब कोटा का ही रिकॉर्डेड लेसन्स हम लोग को मिला, तो जो कि बहुत बेनिफिटेबल था। तो एप्लीकेशन पे क्लास होता था, तो क्लासेस किस तरह से कंडक्ट होती थी? आई मीन लाइव क्लासेस होती थी, रिकॉर्डेड वीडियोस होते थे, या यूट्यूब से क्लासेस? क्योंकि क्लासेस के अलग अलग मोड्स होते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था? हमारे यहाँ से क्लासेस आपको किस तरह प्रोवाइड की गई? जैसे कि उसका एक फिक्स्ड शेड्यूल था, जो कि इतने बजे से इतने बजे तक ये क्लास होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सारे लेक्चर्स मिलते थे। और एक दिन मतलब फिक्स होता था लाइव क्लास, जो कि डाउट क्लास होता था, तो उसमें हम लोग को जितना भी जो कुछ भी डाउट होता था, तो उस लाइव क्लास में थ्रू टीचर हम लोग सारे डाउट्स क्लियर कर लेते थे। तो लाइव आप डाउट्स आपके लाइव क्लियर किए जाते थे और लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिलते थे। तो रिकॉर्डेड वीडियो जो मिलते थे, उसमें किस तरह के वीडियो मिलते थे? मतलब प्रॉपर टॉपिक वाइज वीडियो होता था, चैप्टर वाइज वीडियो होता था? वो तो चैप्टर वाइज ही वीडियो होता था, मतलब जैसे कि एक चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स हैं, 5-6 जो भी, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन लेक्चर वाइज होता था। अच्छा, और जब क्लासेस होते थे आपके, तो कितने घंटे का क्लास चलता था आपका? 1 and 30 hours। ओके, 1 and 1.5। और क्लासेस आपके जो होते थे, वो रेगुलर बेसिस पे होते थे या बीच में गैपिंग होता था, अल्टरनेट डेज पे क्लासेस? नहीं, रेगुलर बेसिस पे ही होता था। रेगुलर क्लासेस होते थे। ओके, और उस कंडीशन में टेस्ट वगैरह हुआ आपका कभी? हाँ, वो अल्टरनेट संडे करके 15 days पे हमारे टेस्ट होते थे। तो उसमें तो रिजल्ट आ रहा होगा, तो प्रोग्रेस बच्चे देख ही पा रहे होंगे। हाँ, क्या हाँ, प्रोग्रेस है, क्या उसमें एक्यूरेसी सब कुछ मतलब पता चल। तो प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाता था ऑनलाइन? हाँ, बहुत अच्छे से। तो जैसा अदिति बता रही हैं कि हमारे यहाँ पे जब बच्चे क्लास करते थे, अदिति क्लास कर रही थी उस वक्त, उनका क्लास के साथ साथ टेस्ट भी हो रहा था, उनका प्रोग्रेस जो है, जो उनका रिपोर्ट है, वो उनके पेरेंट भी और स्टूडेंट खुद भी उसको प्रॉपर वे में देख पा रहे थे। तो अब जानते हैं अदिति से, जैसे कि अदिति ने बताया कि क्लासेस किस तरह कंडक्ट हो रहे थे ऑनलाइन वे में, फिर ऑफलाइन मोड भी स्टार्ट हुआ हमारा। तो जब कभी भी बच्चे हमारे यहाँ पे या कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं, तो उनका कुछ एक्सपेक्टेशन होता है अपने इंस्टीट्यूशन को लेकर, और हर इंस्टीट्यूशन अपने एंड से कमिटमेंट करते हैं कि वो क्या क्या बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अदिति से जानते हैं कि जो कुछ भी यहाँ से एक्सपेक्टेशन बच्चों को कमिटमेंट किया गया, या फिर जो भी उनका हमारे को लेकर एक्सपेक्टेशन था, वो फुलफिल हुआ या नहीं? हाँ, जो भी मतलब इनरोलमेंट के टाइम में बताया गया था कि आपको ऐसे ऐसे क्लासेस मिलेंगी, वो भी प्रॉपरली प्रोवाइड किया गया। और फिर मतलब जो भी यहाँ से कमिटमेंट हुई थी कि मॉड्यूल्स मिलेंगे, जो भी कुछ मिलेंगे, सारा कुछ फुलफिल हुआ। और हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन था कि डाउट क्लियर होगा कि नहीं होगा और प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, वो सारे फुलफिल हो गए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से चल रही। मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन में अब तक तो अदिति को कोई दिक्कत नहीं आई है। अब आगे जानते हैं, जैसे हमारा कमिटमेंट था
कि हम लोग 11th के साथ साथ 12th कंप्लीट करवाएंगे, 11th 12th के साथ इनकी नीट की भी प्रिपरेशन होगी, और इसके बाद हम लोग 11th भी दोबारा रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बोर्ड तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, लेकिन जब नीट की बात आती है, जब नीट की तैयारी करते हैं बच्चे, तो उसमें 11th का भी सिलेबस कवर किया जाता है, 11th से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अदिति से जानते हैं कि 11th 12th नीट और प्लस 11th रिविजन उनका प्रॉपर वे में हो पाया या नहीं। हाँ, जैसे 2020 में जब 11th में थे तो उसके सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग को प्रॉपर रिविज़न मिला 11th का। फिर जब 12th का सेशन स्टार्ट हुआ तो 12th में भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अप्रैल में एग्ज़ाम है, बट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है विथ 12th रिविज़न। तो अभी नीट के लिए 11th रिविज़न स्टार्ट है, और जिस भी चैप्टर्स में हम लोग जैसे प्रीवियस चैप्टर्स में डाउट होते हैं तो वो हम लोग बोलते हैं तो उनके लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो मतलब प्रॉपर रिस्पांस लिया जाता है स्टूडेंट्स का, जब कभी भी बच्चों को कोई ज़रूरत हो, किसी चीज़ की कंफ्यूजन हो, तो उसको प्रॉपर वे में क्लियर किया जाता है, फैकल्टीज डाउट प्रॉपर वे में उसको क्लियर करते हैं, राइट। तो अदिति, ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो आप आने वाले बच्चों के साथ क्या, मतलब आने वाले बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगी जो आगे मोशन में आकर पढ़ाई करेंगे, या फिर आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो एक बार हमारे बच्चों के लिए शेयर करिए। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, जैसे कि सब कुछ टाइमली प्रोवाइड किया गया है, मॉड्यूल्स लेक्चर्स एवरीथिंग। तो मतलब अगर किसी को जेईई नीट का प्रिपरेशन करना हो 11th 12th की, तो वो यहाँ पे एक बार सेंटर विजिट कर सकते हैं बिना कोई इशू के। तो चलिए, ये था अदिति का ओवरऑल एक्सपीरियंस मोशन के साथ।